मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता के रेहली विधानसभा की जनपद पंचायत में बैठक के दौरान यहां के सीओ ने जनप्रतिनिधियों की जमकर क्लास ले डाली। दरअसल इस पंचायत में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों की एक औपचारिक बैठक रखी गई थी और इस बैठक में कुछ पंचायतों की महिला सरपंचों की जगह उनके प्रतिनिधि के तौर पर पति पहुंच गए। यह देखकर जनपद सीओ राजेश पटेरिया जमकर भड़क उठे। हालांकि रेहली जनपद पंचायत में चुने गए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के पीछे उद्देश्य था कि सभी का एक दूसरे से परिचय हो सके और आपसी सामंजस्य से मिलजुलकर बेहतर कार्य करने में सुविधा हो सके, लेकिन बैठक में माजरा ही दूसरा नजर आया और बैठक में महिला सरपंचों की जगह इनके पति पहुंच गए। यह देख जनपद सीओ भड़क गए। काफी अच्छी रही, लगभग 35 महिला सरपंच थी यहाँ पे, चार लोग ऐसे थे जो उनके प्रतिनिधि रूप में आए थे, उनको समझाइश दी गई कि आपका आना उचित नहीं होगा। महिला जो हमारी सरपंच है उन्हीं को बैठकों में और ग्राम सभाओं में रहना पड़ेगा। रेहली जनपद पंचायत की इस बैठक में अब यहां के सीओ ने तल्ख लहजे में कह दिया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की जगह उनके पति अथवा परिजनों का आना वर्जित है और अगर कोई महिला का पति या परिजन बैठकों में शामिल होता है तो संबंधित के विरुद्ध पद से हटाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।